सर धात की समस्या बनी रहती है और पेशाब बार बार होता रहता है और जितनी बार पेशाब करो पेशाब करने के बाद इतनी ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है कि पूछे मत कोई बढ़िया सा नुस्खा बता दीजिए चाहे नुस्खा महंगा ही क्यों ना हो हम परेशान हो चुके हैं बस आराम होना चाहिए तो दोस्तों मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि इस समस्या के लिए और धात की समस्या के साथ साथ पेशाब के साथ वीर्य का निकलना या फिर लिंग से चिपचिपा पानी आना और स्वप्न दोष जैसी समस्याओं के लिए किसी भी प्रकार की महंगी औषधि की आवश्यकता होती ही नहीं है कोई हजारों में से कोई एक मरीज निकल कर आता होगा जिसको सच में महंगी दवाइयों की जरूरत पड़ सकती है आज मैं आपको बाज़ार में बनी बनाई तैयार मिलने वाली औषधियों का एक ऐसा कॉम्बिनेशन एक ऐसा संयोग बताता हूँ जिसके प्रयोग से स्वप्न दोष धात की समस्या और चिपचिपे पानी की समस्या बड़ी ही आसानी से दूर हो जाती है चंदनासव और अभ्यारिष्ट इन दोनों को दिन में दो से तीन बार भोजन के पश्चात बराबर मात्रा में पानी मिलाकर दस से बीस एम की मात्रा में यदि प्रयोग किया जाए तो सभी समस्याओं में तो लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देता ही है साथ ही साथ कब्ज की समस्या भूख कम लगना बवासीर पेशाब के साथ जलन की समस्या और पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन जैसी समस्याओं में भी लाभ की प्राप्ति होती है पर यहाँ एक दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा पहला अभ्यारिष्ट के प्रयोग से किसी किसी को दस्त लगने की समस्या उत्पन्न हो सकती है और दूसरा इन दोनों ही औषधियों में गुड़ का प्रयोग किया जाता है वहीं चंदनाशों के अंदर शर्करा का भी बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है जिसके कारण मधुमेह के रोगियों के लिए ये दोनों औषधियाँ प्रयोग करना अधिक बेहतर विकल्प नहीं है तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको इस समस्या के लिए उचित समाधान मिल गया होगा वो भी आपके बजट के अंदर आज की जानकारी आपको कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताइएगा मिलते हैं अगले वीडियो में